हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एक चमत्कारिक बोतल थी। उसके अंदर एक जादुई औरत थी, जिसके जादू का इस्तेमाल राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। एक दिन राजा विक्रम के कहने पर उस औरत ने दरबार के एक पंडित को, वो बेगुनाह होते हुए भी, जहर दे दिया। पंडित ने मरते वक्त उस औरत को श्राप दिया। ए जादुई औरत, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब से जो भी व्यक्ति तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा, वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा। और अब से तुम जादुई औरत नहीं, शैतानी चुड़ैल बनके बाहर आओगी, बोतल की चुड़ैल। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता, क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके भाई अक्रम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। उसे उस जादुई औरत की कमी महसूस होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भागा। बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि एकदम से रुक गया। उसे पंडित का श्राप याद आया और वो डर गया। पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का तय किया। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हुई। राजा को लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के शराब का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। राजा विक्रम डर गया और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर देखा। धुएं में एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके जोरों से हंसने की आवाज तहखाने में घूमने लगी। राजा विक्रम उस आवाज से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और वहां एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी। कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सजा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरा शिकार आप खुद हो। आप खुद मेरे पास आएंगे या मैं वहां हूँ? खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। आप उस बोतल की औरत के महाराज थे, मैं बोतल की चुड़ैल हूँ, और मेरा कोई महाराज नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। मैं कहता हूँ वापस बोतल में चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया।
राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई। बोतल पहले जैसी होकर वही तहखाने में पड़ी रही। बाहर दरबार में अक्रम को नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा विक्रम ये राज्य छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो निश्चित ही मेरे हाथों से मारे जाते। प्रधान जी, राज्य का प्रधान आगे आता है। अब मैं उस नायाब बोतल को देखना चाहूंगा जिसकी मदद से विक्रम ने इतनी लड़ाइयां जीती है। मैं भी उस जादुई औरत का करिश्मा देखना चाहूंगा। महाराज, उस बोतल को श्राप दिया है, जो कोई उसे खोलेगा वो उस चुड़ैल के हाथों ही मारा जाएगा। ये जरूर झूठ बोल रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं उस बोतल को देखूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और बोतल लेकर आओ। प्रधान ने दो सैनिकों को इशारा किया और वो तुरंत जाकर तहखाने से बोतल ले आए। सैनिक ने प्रधान के हाथ में बोतल दी और प्रधान ने राजा अक्रम को। अक्रम ने बोतल ध्यान से देखी और फिर से प्रधान को देते हुए कहा, बाहर निकालो उसे। प्रधान डर गया और डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा विक्रम ने हमें कभी नहीं बताया। मैं सब जानता हूँ। ये सब तुम लोगों की साजिश है ताकि मुझे जादुई औरत ना मिले, लेकिन मैं इसे लेकर रहूंगा। राजा अक्रम गुस्से में उठा और वो बोतल जमीन पर जोर से फेंक दी। दरबार के सभी लोग डरने लगे। बोतल जमीन पर गिरने के कारण वो टूटने लगी और एकदम से फट गई। फटने के कारण उसमें से धुआं निकलने लगा। उसे देख अक्रम भी थोड़ा डरने लगा। पूरे दरबार में धुआं फैल गया और चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। धुएं के हटते ही जमीन पर राजा विक्रम की लाश दिखाई दी और उसके ऊपर पैर रख कर एक चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल को देखकर दरबार के सभी लोग डर गए और महल के बाहर भागने लगे। एक और शिकार। चुड़ैल ने राजा अक्रम को उठा लिया और उसकी तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल ने तलवार में राजा अक्रम का सिर फंसाया और सिंहासन पर रख दिया। चुड़ैल अड़कर बाहर आई और अपने मुंह से आग बरसाकर पूरे महल को आग लगा दी। महल जलकर खाक होने लगा। चुड़ैल खुले आसमान में उड़ने लगी। चुड़ैल की बोतल टूटने की वजह से वो अब आजाद हो चुकी थी और अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मारने लगी थी। एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी, जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी तीन सहेलियां कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। सुनो सब, आज हम कुएं में तैरने चले? हाँ, अच्छा आइडिया है, चलो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ चलो। ए अनु, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तैरने आएगा? तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। हाँ, और अगर पानी में डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैर।
क्या बकवास कर रही है? लड़कियां फिर से हंसने लगी और अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो कुएं के पास आ पहुंची। कुएं का पानी काफी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ हुई और वजन के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, 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 कोई, कोई है, कोई है, बचाओ मुझे। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में जोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर जलने लगा। शरीर पूरा जल जाने के बाद पानी पर खड़ा होकर चलते चलते कुएं के बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल का बन चुका था। अब उन सबको दिखाती हो कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें जमीन पर लिटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। रेखा, लीला, तुम दोनों, हम यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। एक मिनट, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही हो? और अभी वो आवाज किसकी थी? वो सब छोड़ो, अंदर आओ, तैरते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चलो घर चले। तीनों लड़कियां जाने लगी, उतने में कुएं से आवाज आई। रुको, सब मारे जाओगे। वो तीनों वहीं रुक गई। कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। मैं कहती हूँ अंदर आओ। चुड़ैल को देखकर तीनों बहुत डर गई। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग इसी कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाओगे।
उतना कहकर वो जोर से चीखने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही पानी का उबलना शुरू हुआ। पानी की गर्मी लड़कियों को महसूस होने लगी। वो पानी के बाहर निकलने के लिए तेजी से तैरने लगी। पर पानी बहुत उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा और मांसपेशियां जलने लगी। तीनों मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। बचाओ, 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 बचाओ यहाँ से। कोई है? चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे जोरों से चीख रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आखिर में लड़कियों के शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरते रहे। पानी फिर से नीचे जाने लगा। पानी के नीचे जाते ही उस चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाशें उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई। मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का, ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ, बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है, मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है, कोई है यहाँ? तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे, मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है, और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई, अभी डर के भाग क्यों रहा है? मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है, तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो, तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी सब कुछ, बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ हम जानते हैं मुकेश, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा?
अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी, तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी आप बहुत चिंतित दिख रही है, कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती, अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था, मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी ये कुछ कागज है, आपका अंगूठा चाहिए, मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। बोलो कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी, जहाँ मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे, पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं, हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है, और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है। मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई, महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने खुद अपनी जान दे दी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई, और मैंने एक एक कर सबको मार दिया, पर मुकेश मेरे हाथों से बच गया। पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू मुकेश नहीं है, पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है, तभी जोर से आंधी आती है, मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी, और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया। इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है।